सब कमंडल जय श्री राम, जय श्री राम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भीम है, जय भीम है, जय। बचपन से जवानी तक बिताइए यहाँ पे और मार खाने दूसरे प्रदेश जाइए, ठीक है ना। और अगर सच बोलिएगा ना तो मारे जाइएगा यहाँ पे, सच बोलने पे मारे जाइएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंदिरा गांधी 1976 में बनाया है ना, भारत निरपेक्ष देश है, सब धन नहीं लिखता, जिनके अंदर टैलेंट था वो लिखा है। बीजेपी सरकार बढ़िया है, यहाँ पे बीजेपी सरकार आनी चाहिए। दंगा करवाती है, दंगा कौन करवा रहा है तो आपको मालूम है, नीतीश सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार। तो आप बोल रहे हैं सर, इसके बीजेपी आता है ना कि सब देश में दंगा करवाता है। हर जगह दंगा, दंगाई पार्टी है, अमित शाह बोले के उल्टा बांध करके टांगे, क्या नेता की भाषा है, अपना मर्यादा भूल गए हैं। अमित शाह बोले के लिए कहा तो बताइए, बोलने के लिए तू कभी बोल दो ना रे भाई, तुमको जे मन है, अरे ठीक है तो बोलो। क्या होता है ये सब ऐसा हो, तमिलनाडु में बीजेपी के गुंडा ही सब करवा रही है। अरे इससे पहले महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, इससे पहले आसाम में नहीं हुआ था, इससे पहले कहाँ नहीं हुआ था। झूठा प्रचार किया ना कि तमिलनाडु के लोग तमिलनाडु में मार रहा है, आसाम में ओरिजिनल में मार के भगाया गया था, इससे पहले महाराष्ट्र में ओरिजिनल में मार के भगाया गया था, कांग्रेस के राज में। जो हिंदू मुस्लिम का राजनीति आप बोल रहे हैं ये भी एक, कल क्या महंगाई नहीं था जो आज बढ़ गया? नहीं बढ़ा है, कितना था कल मजदूरी, कितना था? 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, हम लोगों का देखा हुआ है 150 रुपए, आज नहीं बढ़ा है इनके 500 रुपए। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं सचिन। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, ये जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो 18वीं लोकसभा के चुनाव होगी, तो इस बार बीजेपी की तरफ से एक नया नारा दिया गया है, फिर से एक बार मोदी सरकार। तो हम यही जानने के लिए जनता के पास आए हैं, जो लोकतंत्र के मालिक से जानेंगे कि क्या सच में 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार होगी। आइए हम जनता से ही बात करते हैं। 40 तक तो कंटिन्यू आएंगे। क्यों आएंगे? चाहे मोदी आएंगे, चाहे कोई उनके पार्टी का कोई। देखिए, मोदी जी ऐसा नेता है कि देश के हित में काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, सर विपक्ष वाले कह रहे हैं। नहीं नहीं, उनका कहना बिल्कुल गलत है, उन लोग जो मेरे को लग रहा है मोदी जी इस बार नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है बीजेपी सरकार ने, हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ा दी है, आम आदमी का जीना हराम हो गया है, और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम का राजनीति, जो हिंदू मुस्लिम का राजनीति आप बोल रहे हैं ये भी एक, कल क्या महंगाई नहीं था जो आज बढ़ गया? नहीं बढ़ा है, कितना था कल मजदूरी, कितना था? 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, हम लोगों का देखा हुआ है 150 रुपए, आज नहीं बढ़ा है इनके, 500 रुपए मजदूरी है। बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी उन्हीं के लिए है जो घर बैठे सोच रहे हैं कि पंगत पाले, उनके लिए बेरोजगारी है, काम कीजिए ना। विपक्ष वाले कह रहे कि मोदी देश बेच दिए, कैसे देख बोले, क्या बोलेंगे आप इस पे? बोलने के लिए तो लल्लू जी को भी बोले थे कि रेलवे बेच के जो है फायदा करवा दिए, वो बात क्या, देश बेच रहे हैं मोदी जी, ये कह नहीं सकते। जवाब देता हूँ, मोदी जी देश बेचे नहीं, देश का विकास किए, उन लोगों को लगता है कि देश बेच दिए जो बांट चूट करके इस देश में अंदर रह करके देश का संपत्ति को अपने परिवार के लिए अर्जित करते, तो उन लोगों का दिक्कत हो रहा है, क्योंकि देश देश के लिए मोदी कर रहे हैं। और एक छोटा सा पाकिस्तान था जो हमेशा भारत को आग दिखाता था, आज ऐसा हो गया कि आटा भी खाना। क्या बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम राजनीति बीजेपी कर रही है, कैसे देखो? बीजेपी कहाँ कर, नीतीश कुमार करवा रहा है, कैसे नीतीश कुमार? उस सरकार उसका है तो कौन करवाएगा, सरकार उसी का ना जी। अभी यूपी में कहा नहीं, यहाँ से ज्यादा नहीं मुस्लिम है यूपी में, हैं वहाँ कहा नहीं कोई गुंडागार हिला दिया, यहाँ क्या हो गया, जिसका सरकार उसको नहीं मतलब की हुआ था, क्या मतलब इसको क्या कहिएगा आप? क्या वही करवा रहे हैं और क्या? वाले तो हमेशा कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम, अरे मुस्लिम करके कहने के लिए तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन वैसा बात नहीं ना है। हाँ सरकार जिसका वो करवा रहा है, मतलब कि यहाँ करते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम, बीजेपी काय के लिए करेगा? बीजेपी करता तो यूपी में ना होता, यूपी में कोई गुंडागार हिला दिया। तमिलनाडु में कहाँ गया आप कह रहे थे, बीजेपी कह रहे थे कि? हाँ बोलिए, तमिलनाडु में बीजेपी के गुंडा ही सब करवा रही है। अरे इससे पहले महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, इससे पहले आसाम में नहीं हुआ था, इससे पहले कहाँ नहीं हुआ था? झूठा प्रचार किया ना कि तमिलनाडु के लोग तमिलनाडु में मार रहा है, आसाम में ओरिजिनल में मार के भगाया गया था, इससे पहले महाराष्ट्र में ओरिजिनल में मार के भगाया गया था, कांग्रेस के राज में। पूरा कब बोलिए,
क्या बोलिए सर, क्या बोलना है? कह रहे हैं कि वो तमिलनाडु बीजेपी की सरकार है। अरे वास्तविक है, आप सभी जानते हैं। सब रीमर गलत है, जानकारी हो नहीं बोलनी चाहिए। बोलिए सर, आप बोलिए। हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। बोलिए ना सर, एकदम नहीं बोलूंगा। कहाँ से है सर? नहीं, हमने अरे सर बोलिए ना सर। हमको बोलने पर तो बहुत बड़ी तकलीफ होंगे ना, समझ गया कि ना? सुनना होता है कि जनता क्या बेचारा सोच। आप बोलिए, जनता तो बेचारा कैसे देखते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी कर रही है? कैसे देखते हैं? कुछ नहीं कर रही है बीजेपी। बीजेपी जनता देख रही है। क्या क्या सरकार लोग क्या बोल सकते? सरकार कर रही है। पब्लिक तो अभी समझदारी नहीं है कि क्या करना चाहिए। पब्लिक तो अपने समझता है, लेकिन यहाँ तो जनता के नाम है। यहाँ तो मर्यादा नाम के कोई काम ही नहीं है। मर्यादा तो उसको करना चाहिए कि जिसको अपना सोचा जी कि क्या करनी है। यहाँ तो लोग करते ही नहीं है। बताइए, सब लोग तो जैसे कि तैसे बोलते हैं, जिसको मैंने जो बोला। सरकार की मतलब यही होती है। चलिए रेल स्टेशन पर चलो ना, तो जिसका टिकट है वो बेचारा के कह ले पुलिस पकड़ लेगा, जिसका नहीं है छोड़ दो रे भाई। ऐसा थोड़ी होता है, सरकार में ये होते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है बीजेपी, कैसे देखते हैं? बात नहीं है। तो विपक्ष वाले कह रहे हैं राष्ट्र बनाने की मांग कर रही है। अरे मांग करने से कुछ भी कर सके, अपना भी तो विचार चाहिए। हिंदू मुस्लिम का भी कोई कुछ करता नहीं है, अपना विचार नहीं है। हिंदू के लिए क्या लड़ाई करेगा, मुसलमान के लिए क्या लड़ाई कर देता? ऐसा थोड़ी होता है कि कोई राष्ट्र में कहता है कि हम करेंगे। सरकार किसी को नहीं है, बिहार सरकार को खुद सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। बिहार सरकार को तो खुद सोचना चाहिए कि क्या हमको करनी है। कैसे देख रहे हैं सर, आप बताइए क्या बोलेंगे? सर ने तो कहा कि कुछ हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं कर रही है बीजेपी। क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है? वो पब्लिक का जो है, पब्लिक की जिम्मेदारी। कुछ नहीं करवा रहे, कोई नहीं करवा रहे। झूठे बाबा बात उड़ रहा है, झूठे बात उड़ रहा है। आप अपनी सरकार को देखो ना, क्या कर रहे हैं? 15 साल में क्या किया? 15 साल में क्या कर रहे हैं? नीतीश जी को तो दूसरे को क्या करना है? सरकार क्या करेंगे? सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। आपकी अपनी मर्यादा बताइए सर। क्या बताएं? बताइए कि सर कह रहे हैं कि सरकार करवा रही है। बताइए जी, आप लोग बताइए, हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रही है बीजेपी? हाँ, बताइए बताइए। कर रही है सर, लोगों का कहना है कि बीजेपी सब दिन हर दिन करते आई है और हमेशा करेगी। कुछ नहीं करी, इसके पहले सरकार नहीं थे। मेरा ना बीजेपी की सरकार तो आप बोल रहे हैं सर, इसके पहले बीजेपी आता है ना, ये सब देश में दंगा करवाता है। देखिए बीजेपी आता है, हर जगह दंगाई पार्टी है। अमित शाह बोले कि उल्टा बांध करके टांगे, क्या नेता की भाषा है? अपना मर्यादा भूल गए हैं। अमित शाह बोले के लिए कहा तो बताइए, बोलने के लिए तू कभी बोल दो ना रे भाई, तुमको जे मन है। अरे ठीक है तो बोलो, क्या होता है ये सब? ऐसा हो, हम लोग का नाम है सर, हम लोग जो पढ़ लिख के रोड पे घूम रहा है उसका भोजन के व्यवस्था कौन कर रहा है? मोदी जी का नारा लग रहा है, मोदी हम नहीं जानते हैं, ना नीतीश जानते हैं, ना लालू जानते हैं। हम लोग के भोजन के व्यवस्था यही जंक्शन पे सरकार ना देंगे, उतना हम भोजन मिल जाएगा। बैठे बैठे बोले सर, कैसे देखते हैं बीजेपी की सरकार? बीजेपी सरकार बढ़िया है, यहाँ पे बीजेपी सरकार आनी चाहिए। दंगा करवाती है, दंगा कौन करवा रहा है तो आपको मालूम है, नीतीश सरकार करा रही है। जो करवा रही है दंगा से पता है। एक गृह देश के पूरी तरह देश की योगी जी की बेस्ट, अगर उस वैसा आदमी मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। अभी सर कैसे इंडिया में? अरे योगी जी आवे तो सब और साधु हो जाएगा, कमंडल लेके घूमेगा, कमंडले लेके ना घूमेगा, पढ़ लिख के और रोजगार मिलेगा। अगर आप होगा सकते हैं, आपने देखा हो जब से तेजस्वी आप ये मिले नीतीश जी, ऐसा सरकार चाहिए योगी जैसा। योगी सरकार चाहिए, सब कमंडल लेके। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ पे बोलवाला किसका है? देखिए बोलवाला किसका है? जय श्री राम का। बिहार बेकार हो गए, नीतीश बेकार हो गए। जरूरत है, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम है, जय भीम है। जय बचपन से जवानी तक बिताइए यहाँ पे और मार खाने दूसरे प्रदेश जाइए, ठीक है ना? और अगर सच बोलिएगा ना तो मारे जाइएगा यहाँ पे, सच बोलने पे मारे जाइएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। ओनली फॉर बीजेपी, बताइए सब जगह बीजेपी के नारे लग रहे हैं, आप बताइए। अरे जय श्री राम से पेट नहीं भर जाएगा, भोजन नहीं मिल जाएगा, नाम लेते रहिए। भाजन काम कर रहे हैं, एक मिनट करते रहिए। जय श्री राम बोले कि जय श्री राम से पेट भरता है, तो क्या जय भीम गाने से पेट भरता है?
जय भीम। अरे अरे काम करके चले आ रहे हैं। अरे भीम आप क्या बोले, जय श्री राम से पेट नहीं, संविधान बना के आप इस वक्त क्या, जय श्री राम से पेट नहीं भरता है तो क्या जय भीम से पेट भरते हैं? जय भीम से पेट भरेगा, जय श्री राम से नहीं भरेगा। तो जय भीम से भी नहीं, जो अम्बेडकर बना के गए हैं, जय भीम से ही देश चल रहा है। देखिए चलने की बात अलग है, सब कोई जय भीम को मान रहा है, जय भीम से ही देश चल रहा है। जय भीम जय भीम को देश ना, जय श्री राम से काम करने से होता है, पेट भरता है। जय भीम जय। अरे लोग कह रहे हैं कि रेल बेच दिया, चलो रेल बेचने में फायदा, इतना साफ सफाई मिल रहा, इतना सुविधा मिल रहा, तो बढ़िया है ना, बेच दीजिए हमको रेल, बेच दीजिए, चलिए ठीक है बेच दिए, इतना तो सुविधा तो मिल रहा है ना बेचने से, ना बेचने से कौन फायदा। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, अरे धर्म धर्म निरपेक्ष राज देश है, सब हिंदू राष्ट्र लोग रहते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं, सब सब धर्म बना, धर्म निरपेक्ष राज जो है इंदिरा गांधी 1976 में बनाया है ना, धर्म निरपेक्ष देश है, सब धर्म नहीं लिखता, जिनके अंदर टैलेंट था वो लिखा है, कोई भीम कहने से श्री राम कहने से पेट थोड़ी भरता। सही बात है, सही है, जो धर्म मानते हैं वही अच्छा है, सही बात है, जो धर्म मानते हैं वो अच्छा है, हम काम करेंगे, किसी का ये थोड़ी है कि भीम कहने से जय श्री राम करने से किसी का पेट नहीं भरेगा, आपके अंदर टैलेंट रहेगा तभी पेट भरेगा। सही बात है, चलिए तो हम अभी जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए तो हम अभी फिर बिहार के पटना जंक्शन पे हमने लोगों से जाना कि फिर एक बार मोदी सरकार का जो नारा लग रहा था वो क्या, मोदी सरकार फिर से सत्ता में आएंगे या कोई दूसरा चेहरा प्रधानमंत्री का होगा। फिलहाल ऐसे ही अब खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।